तो भाई अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हैं, यानी कि नई में सेकंड हैंड बाइक लेने जा रहे हैं आप, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या उसमें चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको आपकी मनपसंद बाइक बिल्कुल सही तरीके से मिल जाए, यानी कि ना तो आपका पैसा बर्बाद हो और ना ही आपका जो है टाइम बर्बाद हो। यानी कि जो बिल्कुल एक्यूरेट में आपको 4-5 सेटिंग बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें चेक करनी है, और आपकी नई मतलब कि आप सेकेंड हैंड बाइक अगर लेने जा रहे हैं तो इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखें लेते टाइम, और आपको बेहतर से बेहतर बाइक मिल सकती है जहाँ तक मेरी ये जानकारी है। उसके मुकाबले में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो भाई फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो क्या है भाई, तो भाई फिर आ चुके हैं आपके साथ नई वीडियो में, और इस वीडियो में आपने थन में से तो पढ़ ही लिया, और मैंने शुरू में भी बता दिया है कि क्या करना है। तो भाई सबसे पहले जो गाड़ी के ऊपर जो बात करते हैं, वो ओवरऑल जो है आप कोई सी भी बाइक लीजिए, या फिर सुपर बाइक लीजिए, या फिर आप स्पोर्ट बाइक लीजिए, या फिर आप नॉर्मल बाइक ले लीजिए, यानी कि 100 cc, 200 cc, 250 cc तक की कोई सी भी बाइक आप ले सकते हैं। तो मैं आपको सभी तरीके मतलब कि सभी बाइकों की एक पहचान बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जब आप अपनी जो है सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो किसी से, कि आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो भाई पहले तो आते हैं कंडीशन के ऊपर, सबसे मेन चीज़ कंडीशन। तो भाई कंडीशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे बाइक का पूरा लुक वाइज पता चलता है कि भाई क्या चीज़ है बाइक के अंदर, मतलब कि क्या लुक आ रहा है बाइक। तो भाई अगर कंडीशन आपकी बाइक की अच्छी है तो अंदर से चाहे ख़राब हो तो आदमी जो है बहक जाता है उस पर, मतलब कि बाहर की और कंडीशन बहुत बढ़िया है, ज़्यादा चली भी नहीं लग रही, मगर जब चला करके देखते हैं जब ज़्यादा परेशानी होती है। तो भाई कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, बकाए यानी कि उसके जो इंजन वगैरह होता है उस पर ध्यान ज़्यादा दें। तो फिर मैं बता दूँ आपको किस तरीके से ध्यान देना है, मतलब कंडीशन भी आपको देखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंडीशन बिल्कुल बेकार हो, इंजन आप बढ़िया ले लो, तो ये भी सही नहीं रहेगा, फिर आपको उसमें बाद में पैसा लगाना पड़ेगा। तो भाई फिर बात करते हैं कि पहले जो है आपको क्या चीज़ चेक करनी है। मैंने आपको कंडीशन बता दी, फिर कंडीशन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कि आपको जो चेक करना है वो उसके इंजन का नीचे का चेक करना है, जो गाड़ी का जो इंजन होता है ना, जो जहाँ पर दोनों पार्ट्स लगे हुए होते हैं, 100 cc हो या कोई सी भी cc हो, यानी कि 200 cc, 500 cc, यहाँ तक कि सुपर बाइक जो 650 के बाद शुरू होती हैं, उसमें भी आपको लीकेज ज़रूर देखनी है। जो इंजन के आप मतलब कि आप नॉर्मल सी बात कर लीजिए कि स्प्लेंडर की, जो स्प्लेंडर के ये दोनों जो बॉक्स होते हैं आप इसके चारों तरफ को झुक करके देख सकते हैं कि मतलब कहीं से भी लीकेज नहीं हो रही हो, हाथ लगा कर भी आप नीचे ऊपर देख सकते हैं इसके कि कोई भी किसी तरीके का भी मतलब कि मोबिल नहीं निकल रहा हो इसमें से। ये भी बहुत बड़ा इशू है, मतलब लोग आपको बता देंगे ये पैकिंग वगैरह ढीली हो रही है, इस मारे जो है इसमें से मोबिल निकल रहा है। भाई मोबिल जो है पैकिंग से नहीं होता है, वो सीधा क्लच प्लेटों से गुजरने के बाद निकल के आता है, क्योंकि मोबिल जो है एक साइड में होता है, एक साइड में मोबिल नहीं होता है इंजन के अंदर। तो मतलब कि उस साइड जो है जिस तरफ क्लच प्लेटें होती हैं उसका जो वाल होता है उसकी वजह से उसमें से मोबिल अंदर आ जाता है इधर वाले पार्ट में भी। तो भाई सबसे पहले तो आपको लीकेज देखनी है। अगर आप KTM वगैरह या R15 वगैरह या इस सुपर बाइक देखना चाह रहे हैं, मतलब उसका तो भाई पूरा प्लास्टिक लगा हुआ होता है इंजन के, मगर आपको फिर भी जो है ना नीचे को झांक करके उसके अंदर को थोड़ा लेट जाइए और उसमें देख लीजिए हाथ वगैरह लगा करके कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर इन गाड़ियों में लीकेज हो गई KTM वगैरह में, तो भाई कम से कम 5000 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ही खर्चा आने वाला है, जिससे कि आपकी क्लच प्लेटें भी ख़राब हो जाती हैं मोबिल के आने से। भाई जो है हमें इंजन के अंदर और क्या चीज़ देखनी है, आपको देखनी है इंजन के अंदर की उसकी जो टाइमिंग चेंज होती है और टैपेट होते हैं, और उन दोनों की लगभग आवाज़ जो है आप सेम ही समझ लीजिए, बहुत ही ना के बराबर ही फ़र्क होता है, मतलब कि आवाज़ लगभग सेम ही होती है। तो भाई आपको पता कैसे करना है कि टाइमिंग की आवाज़ है या चेन की आवाज़ है, टाइमिंग चेन की आवाज़ है सॉरी, और ये टैपेट की आवाज़ है। तो भाई टैपेट जो लगे हुए होते हैं इंजन के, अगर स्प्लेंडर की बात करेंगे तो इंजन में जो है उसके आगे वाले हिस्से में लगे हुए होते हैं, और टाइमिंग चेन जो है वो लेफ्ट वाले हिस्से में लगे हुए होते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा कान लगा कर थोड़ा सा बैठ जाना है, बैठने के बाद आपको ध्यान से सुनना है, थ्रोटल देते हुए आप सुनेंगे, थ्रोटल देना हल्का हल्का। अगर जो है वो जो आपके जो साइड वाला बॉक्स अगर उस पर इंजन के उस पर रखा हुआ है आपका हाथ, तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा टक टक जैसी आवाज़, जैसे कोई अंदर से उस पर मार रहा है, तो वो टाइमिंग चेन की आवाज़ होती है, तो राइट वाले बॉक्स को। अगर आप बात करते हैं टैपेट की, तो वो आपको इंजन के ऊपर वाले टापा, शायद उसको नॉर्मल भाषा में टापा ही कहते हैं, तो आपको उसके ऊपर मिलेगी, जो कि वो आसानी से खींचे जा सकते हैं, मगर टाइमिंग चेंज जो है पूरी चेंज करानी पड़ती है। लगभग अगर आप इसमें भी देखते हैं तो भाई
लगभग जो है आपको 400-500 रुपये खर्चा आ जाता है ओरिजिनल सामान डलवाने में। लोकल तो डल ही जाती है, टाइमिंग चेंज 60-70-80-90 रुपये की भी। तो भाई अगर आप ओरिजिनल डलवाना चाहते हैं तो 200 रुपये के भी आसपास की आती है ओरिजिनल होंडा की अगर आप डलवाएंगे, और आपके पास अगर KTM वगैरह है तो और भी ज़्यादा पहुँच जाएगा उसका बजट। तो भाई आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। मतलब आपको कैसे पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, मतलब कि गाड़ी ठुकी हुई है, आदमी रिपेयर करा देता है मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सही नहीं हो पाती हैं, मतलब कि आदमी उस पर ध्यान भी नहीं देता है सस्ती होने की वजह से। और मतलब जो मैं सबसे मेन चीज़ होती है वो मैं आपको इसके तीसरे पॉइंट के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले कि आपको पता करना है कि हैंडल के जो ये साइड बार होते हैं, मतलब कि जो हैंडल के साइड वाले कोने होते हैं, अगर गाड़ी गिरी हुई है या इस हाथ से गिरे या इस हाथ से गिरे, तो आपके जो हैंडल के जो कोने हैं या तो वो छिल जाएंगे और या फिर वो आपका जो है मुड़ जाएंगे, मतलब जो साइड से जो होते हैं, अगर रबड़ के होंगे तो वो छिल जाएंगे, अगर प्लास्टिक जैसे लोहे के मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं ये जो है आपके मुड़ जाएंगे, जैसे मेरी गाड़ी में मुड़ा हुआ है। छोटे भाई ने शायद गिरा दी थी मेरी बाइक और बताया नहीं उसने मुझे, मुझे कन्फर्म पूरा पता है कि बाइक गिरी हुई है मेरी। तो भाई उससे क्या होता है कि जो साइड वाले जो मुट्ठे वगैरह कह सकते हैं आप इसको, नॉर्मल भाषा में मुट्ठे कहा जाते हैं, तो ये जो है मुड़ जाते हैं। और फिर बात करते हैं साइड में, फिर उसी के ही नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो फिर हो जाता है फुट रेस। तो भाई फुट रेस जो है अगर सबसे नाजुक चीज़ होती है, फुट रेस या तो छिल जाती है वो या फिर बिल्कुल उसके रबड़ निकल जाती है फुट रेस की गिरने से। और इंडिकेटर की तो कोई भाई पूछे ही मत, इंडिकेटर तो खैर टूट ही जाता है एकदम से। तो आप इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका अगर घिसा हुआ, अगर वो चेक चेंज करा देता है तो आपको फिर पता नहीं चल पाएगा कि गाड़ी एक्सीलेंडर है। मगर मैं सबसे जो मेन चीज़ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए, आपको जो मैं अभी बता रहा है कि तीसरे पॉइंट के लास्ट में बताऊँगा, सबसे मेन चीज़ जिस पर आदमी बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अगर गाड़ी एक्सीलेंडर है तो बाकी सब चीज़ सही हो जाती है, मगर वो चीज़ सही नहीं होती है गाड़ी की टी। जो वहाँ पर गाड़ी की टी होती है वो भाई सही नहीं होती है बिना खुले, मतलब कि फुल अगर आपको उसमें नहीं लगानी पड़ेगी, वरना तो फिर वो नहीं हो पाएगी। तो आपको करना क्या है कि आप जैसे एक्सीडेंटल गाड़ी पर आप बैठे और आप थोड़ी सी भी ज़्यादा उसको चलाएंगे, यानी कि 10 किलोमीटर भी आप चलाएंगे नहीं, तो आपके जो ये जो हिस्सा होता है वाला, अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है, हैंडल में बैंड वगैरह है, तो भाई आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाएगा आपके इस वाले हिस्से में, क्योंकि हैंडल का जो लुक मतलब कि जो हैंडल की पोजीशन दी जाती है वो राइडर के सेफ्टी मतलब कि बिल्कुल कंफर्ट दी जाती है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो भाई फिर कंफर्ट नहीं रह पाता है उसमें। तो ये आपकी जो कलाई होती है इसके अंदर आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, और ये चीज़ जो है आसानी से सही नहीं होती और ना ही इस पर कोई ध्यान देता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि जो आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, यानी कि एक्सीडेंटल तो नहीं है वो। तो भाई और जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और भाई सबसे मेन चीज़ जो है, जो कि सबसे मेन ही आती है, मतलब कि पूरी गाड़ी का जो सेटिंग होती है, मतलब कि जो आपके अंदर सारे पार्ट्स लगे हुए हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं, घूम रहे हैं या नहीं, चक्कर ले रहे हैं या नहीं, तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे। जो मतलब कि जो सारी चीज़ें हमारे टाइमिंग चेन टेप इट वगैरह, जो भी क्लच प्लेट वगैरह, जो भी चीज़ होती है गाड़ी के इंजन के अंदर, वो सभी चीज़ एकदम अपने काम मतलब अपने टाइम पे एक्यूरेट काम कर रहे हैं, इस चीज़ का जो पता करना है ये बहुत ही आसान है, वो आप भी कर सकते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, जैसे कि आपने कोई गाड़ी ले लिया है तो आपको गाड़ी के पास सिंपली जाना है, उसको ऑन करनी है और उसको स्टार्ट दे करके, स्टार्ट करके थोड़ा सा टोटल दे के उसको 10 से 15 सेकंड के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो, ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं 20 सेकंड के लिए। तो भाई उसको 20 सेकंड के छोड़ने के बाद आपको पीछे हट जाना है, 20 सेकंड तक आपको देखना है कि थोड़ा सा, कि भाई टाइम अगर देख लें तो कोई बात नहीं, फिर भी अंदाज़ा आदमी को हो जाता है कि 20 सेकंड हो गए हैं। तो 20 सेकंड होने के बाद जो है एकदम से आपको उसको थ्रोटल एकदम से देना है, मतलब कि अगर गाड़ी आपकी जो है एकदम से घूम जैसी हो जाती है तो आपकी गाड़ी का जो सारे पार्ट्स हैं वो एकदम एक्यूरेट घूम रहे हैं। अगर एक्यूरेट नहीं घूमेगा, कोई से भी पार्ट्स उसका स्लिप हो रहा होगा या फिर टाइम से नहीं काम कर रहा होगा, तो आपकी जो गाड़ी है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी कि आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं रहेगी, वो एकदम बंद हो जाएगी। तो ये भाई सबसे मेन चीज़ होती है कि आदमी जो है गाड़ी ले लेता है, फिर कहता है कि यार जैसे हम टोटल छोड़ते हैं उसके बाद जैसे टोटल गाड़ी उठाते हैं तो एकदम से बंद हो जाती है। तो भाई वो इस वजह से होता है कि आपकी जो गाड़ी के सारे पार्ट्स हैं वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ना ही एक साथ घूम रहे हैं। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। तो भाई वीडियो कैसे लगी, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के पास भी इसको शेयर कर देना, अगर वो नई बाइक यानी कि सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो भाई थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी और हमारी भी। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।